हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज है सावन का पहला सोमवार और सुबह के 7:30 बज रहे होंगे। टाइम का पता भी नहीं चला एक तो काम करते करते, तो 7:30-8 बजे के बीच का टाइम होगा। मैंने घर की क्लीनिंग कर ली है, मतलब कि झाड़ू पोछा मैंने लगा दिया है, क्योंकि उसके बाद ही पूजा करना अच्छा लगता है ना। और आज फास्ट का दिन है, मैंने भी फास्ट रखा हुआ है और हस्बैंड ने भी फास्ट रखा है। तो सबसे पहले मैंने मंदिर की क्लीनिंग की, इसके बाद मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए मंदिर के, और अब जाके मैंने दिया जलाया है और हस्बैंड भी अब नहा के आ रहे हैं, तो उसके बाद हम दोनों मिलके एक बार आरती कर लेंगे। और आज दोनों लोगों का ये फास्ट है तो हमें ब्रेकफास्ट तो बनाना नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत आराम आराम से क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। गुड मॉर्निंग, सुबह के 8:30 बज रहे हैं, पूजा वगैरह हो गई है। आज हम दोनों का फास्ट है और दोनों ने येलो येलो इसलिए पहना है क्योंकि भोलेनाथ के फास्ट में येलो कलर पहनते हैं और येलो कलर का टीका भी लगाते हैं, तो इसलिए हमने ये सब किया है। पूजा वगैरह हो गई, आज ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाना है। तो एक बार हैप्पी सावन का सोमवार आप सब लोगों को, भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूरी करे, सबको खुश रखे, हेल्दी रखे। जय भोले, जय भोले। तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और थोड़ा सा किचन क्लीन कर लेती हूँ। चाहे हमने कुकिंग करी हो या ना करी हो, लेकिन मॉर्निंग में किचन करना, मतलब किचन क्लीन करना काफ़ी अच्छा लगता है और करना भी चाहिए, तो मैं वही सब कर रही हूँ। और उसके बाद मुझे बर्तन भी वॉश करने हैं थोड़े बहुत चाय के। और इधर साइड प्लेट में जो आप देख रहे हैं वो कड़ी पत्ता रखा हुआ है, एक्चुअली वो हमारे घर में जो गेस्ट आए थे उन्होंने भिजवाया था और ये फ्रेश है, उनके वहाँ प्लांट है तो उन्होंने भिजवाया था। अब मैं इसको सुखा के रख दूंगी और उसके बाद मैं बर्तन वगैरह वॉश करूंगी। बाकी झाड़ू पोछा तो हो चुका है, इसके बाद मुझे जाना है कपड़े वॉश करने के लिए। और चाय पीने से पहले हमने दो बनाना खाए थे और थोड़े से आलमंड्स लिए थे, बस इतना सा ही रहा आज का। अभी टाइम हो रहा है 11:15 बजे का और मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। वैसे काम मैं 10:30 बजे कंप्लीट कर चुकी थी, उसके बाद यूट्यूब का थोड़ा सा काम कर रही थी, वीडियो वगैरह अपलोड करनी थी, तो वो अपलोड हो चुकी है। तो और बाहर का मौसम काफी अच्छा हो रहा है और हस्बैंड का आज ऑफ है, उन्होंने मुझे बताया नहीं था मॉर्निंग तक और अभी जाके मुझे बता रहे हैं कि आज ऑफ है, तो अभी वो बाहर का कुछ काम करने गए हैं, 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे। तो आज लंच भी नहीं बनाना है, हम दोनों का फास्ट है, तो बस हल्का फुल्का सा मैं कुछ बना लूंगी, आलू वगैरह बॉइल कर लूंगी। तो ये है आज का वेदर और क्लाउड लगे हुए हैं उधर साइड आप देख रहे हैं, तो काफी अच्छा है। तो घर के सारे काम करने के बाद हम लोग आ गए हैं विशाल मेगा मार्ट। एक्चुअली मुझे घर का कुछ सामान लेना था तो हस्बैंड भी आ गए थे और अभी मतलब मौसम भी अच्छा था और मॉर्निंग के टाइम पे रश भी नहीं रहता है, तो उस वजह से आ गए थे। और बिलिंग काउंटर पे बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा हमें, 10 मिनट ही वेट किया और फटाफट से हमारी शॉपिंग हो गई थी। तो अभी टाइम हो रहा है 12:45 बजे का और हम लोग जस्ट अभी पहुँचे हैं और मैंने फेस वॉश किया, कपड़े मैंने आज यही पहने और मैं दिन भर यही पहनूंगी, तो इसलिए मैंने चेंज भी नहीं किया और मैं यही पहन के मार्केट गई और शॉपिंग करके आई हूँ मैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ मैं, और सॉरी कैमरा थोड़ा सा हिल गया था, लो ये रहा बिल। तो हमारी शॉपिंग कभी ख़त्म नहीं हो सकती, मैंने कुछ दिन पहले शॉपिंग की थी, फिर मैं दोबारा से इतना सारा सामान लेके आ गई हूँ क्योंकि ज़रूरत का ही सामान लाई हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब फालतू का सामान लाती हूँ, ज़रूरत की चीज़ें लानी पड़ती हैं और छोटी 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 चीज़ें करते बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और मतलब घर के लिए कंटेनर्स भी चाहिए थे मुझे, इसमें दालें वगैरह रखनी हो तो वो भी लेके आई हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मैं क्या क्या शॉपिंग करके आई। तो सबसे पहले हम लाए हैं ये नमकीन के 2 पैकेट और काफ़ी बड़े बड़े हैं साइज़ में और अलग अलग फ्लेवर हैं ये, तो ये 1 get 1 का ऑफ़र चल रहा था, तो ये अच्छी भी लगती हैं चाय के साथ। एक मद्रासी नमकीन है और एक मसाला नमकीन है, तो आप लोगों ने भी खाई होंगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और एक लाए हैं ओडोनिल और 2 पैकेट मैगी के लाए हैं, कभी ब्रेकफास्ट बनाना हो तो इजी रहता है। और साथ ही लाई हूँ मैं एक ब्लैक बर्बन, ये काफ़ी टाइम बाद मैंने लिया है, वैसे बहुत अच्छा लगता है। और 3 पैकेट टॉप रमन के लेके आए हैं नूडल्स, ये आज हम पहली बार लेके आए हैं तो उसका पता नहीं है कैसा टेस्ट होता है। और साथ ही मैं लेके आई हूँ सांबर मसाला, ये एवरेस्ट का है और
पिछली बार जब मैंने डोसा बनाया था तो सांभर नहीं बनाया था मैंने और मसाला भी नहीं था, तो मैं इस बार जब बनाऊंगी तो मैं सांभर के साथ बना के ट्राई करूंगी। और साथ में मैं लाई हूँ सनफ्लावर सीड्स, ये मुझे बिग बाज़ार में नहीं मिले थे तो मैं इस बार विशाल से ले आई हूँ। और इसको भी मैं पीस के पाउडर कर लूँगी और रोटी के साथ मिला के इसको बनाएंगे। और साथ ही मैं लाई हूँ धुली हुई उड़द की दाल, ये हाफ के जी है। और इसके साथ मैं लाई हूँ चना दाल हाफ के जी, और ये इमली ट्री कंपनी का है, और इसमें ड्राई रेड चिली है, एक में कोरिएंडर है होल कोरिएंडर, और एक साथ में एक में जीरा है। तो कॉम्बो ऑफर चल रहा था और एक ओडोनिल और रह गया था, दो ओडोनिल लेके आए थे। और ये भी एक नमकीन ही है, चने वाली नमकीन, ये भी हस्बैंड लेके आए थे, हस्बैंड को नमकीन वगैरह खाना बहुत अच्छा लगता है। और ये बूंदी का पैकेट लाए हैं, ये भी बाय वन गेट वन का ऑफ़र चल रहा था और विशाल में इस टाइम पे काफ़ी अच्छे ऑफ़र चल रहे थे ग्रॉसरी पे। और ये है सोया चंक्स और इसमें भी बाय वन गेट वन फ्री का ऑफ़र चल रहा था, तो ये भी हम दो पैकेट ले आए। और साथ ही में लेके आई हूँ ये कंटेनर्स, और बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ये 100-200 ग्राम के कंटेनर्स होंगे, और दो डिफरेंट कलर्स में लेके आई हूँ। दोनों का पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा और ये 99 पे 3 थे, और साथ ही मैं बड़े वाले कंटेनर्स भी लेके आई हूँ दो, और ये भी 99 में 2 ही मिल रहे थे क्योंकि चाहिए होता है घर पे सामान इधर उधर रखा होता है। और साथ ही लाई हूँ ये स्पून स्टैंड क्योंकि ये मम्मी ने मंगवाया था तो ये लाना था मुझे। और साथ में लाई हूँ अपने लिए एक ड्रेस क्योंकि ये कुर्ता मुझे बहुत पसंद आ गया था एक बार देखने में ही, मैं वहाँ पे रैंडमली देख रही थी लेकिन ये फ्रंट में ही टंगा हुआ था तो मैंने कपड़ा उठा के देखा, काफ़ी अच्छा कपड़ा था स्मूथ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 500 रुपीज़ का है ये। तो ये थी मेरी शॉपिंग और मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। इस कलर का मेरे पास कोई भी सूट या कुर्ती टॉप वगैरह कुछ भी नहीं है तो मैंने ये कलर ले लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये है मेरा पूरा ड्रेस, मैं दूर से दिखा देती हूँ आपको एक बार, तो थोड़ा सा लूज हो रहा है, तो थोड़ा सा लूज है लेकिन मैं इसको फिटिंग करा लूंगी। और ये स्लीव काफी, मतलब ये स्लीव फिटिंग है, इसमें फिटिंग कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से नीचे फिटिंग कराना है, बाकी टोटल मुझे बहुत अच्छा लगा और ये कलर मुझे बहुत पसंद है। अभी बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, अभी हल्की सी धूप भी आने लगी है और बारिश भी हो रही है, काफी अच्छा हो गया वेदर। आज जल्दी खा लेंगे हम लोग डिनर थोड़ा सा, और हस्बैंड भी घर पे ही है तो इसलिए मैं जल्दी बना रही हूँ, और क्योंकि फास्ट के दिन ऐसा होता है ना, जल्दी से बना लो और जल्दी से खा लो तो सही रहता है, क्योंकि 7 बजे तक हम लोग पूजा कर लेंगे और उसके बाद हम लोग 7:30-8 बजे तक डिनर कर लेंगे। तो अब मैं पहले बर्तन अरेंज कर लेती हूँ जो मैंने वॉश किए थे दोपहर में, और उसके बाद डिनर बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं चने बॉईल करने के लिए रख दूंगी, और जब तक चने बॉईल होंगे तब तक मैं सारा काम कर लूँगी बाकी का, और चने वगैरह बनाने की तैयारी भी कर लूँगी, मसाला वगैरह तैयार कर लूँगी और कुछ सब्जियाँ वगैरह काट दूँगी। सब्जियाँ तो आज ज़्यादा काटने नहीं है, बस हरी मिर्च वगैरह काटनी है और वो सब तैयार करके रख दूँगी, और फिर रायता बनाऊँगी साथ में। तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, और हमारे वहाँ मतलब प्लेन सॉल्ट खा लेते हैं फास्ट के दिन, फास्ट होने के बाद, तो मैं वही डाल रही हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड भी दूध लेके आए थे, आज मॉर्निंग में मिला नहीं था, तो आजकल मतलब जब भी फेस्टिवल टाइम चल रहा होता है तो दूध की काफ़ी शॉर्टेज हो जाती है, तो अभी लेके आए हैं 1 किलो दूध, और एक तरफ मैं ये बॉईल करने के लिए रख दूँगी और साथ में दूसरे काम करूँगी। और इधर मैं काम करते करते हस्बैंड से भी बातें करते जा रही हूँ क्योंकि वो भी किचन में हैं और मेरी हेल्प कर रहे हैं,
कभी कभी वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं, कभी कभी नहीं मतलब वो डेली हेल्प करते हैं, लेकिन डेली उनको टाइम नहीं हो पाता है क्योंकि ऑफिस जाना रहता है। तो आज घर पे थे तो दोनों मिलके काम कर रहे थे और ड्राई फ्रूट्स वगैरह उन्होंने कट करके दिए थे मुझे। और यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ बूंदी का रायता। एक्चुअली दही मैंने जमाने के लिए रखी हुई है लेकिन वो जमी नहीं थी अच्छी तरीके से, तो मैंने एक डब्बा दही जो है बाहर से मंगवा लिया था क्योंकि फास्ट के दिन थोड़ा सा मन करता है कि शाम को कुछ खट्टा सा खाया जाए तो अच्छा लगता है। तो अब मैं यहाँ पे इसको ब्लेंड कर लूँगी हैंड ब्लेंडर से। ये एकदम स्मूथ हो जाता है इससे, मतलब कुछ सेकंड के अंदर ही, 20 से 30 सेकंड लगते हैं, उससे ज़्यादा हमें इसको ब्लेंड नहीं करना पड़ता और एकदम स्मूथ हो जाती है दही। तो मैं पानी ज़्यादा पानी मिलाऊँगी क्योंकि बहुत गाढ़ा रायता पसंद नहीं है और पतला रायता काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है और मैं बूंदी को इसी तरीके से डाल दूँगी क्योंकि वो भीगने के बाद खुद ही सॉफ्ट हो जाती है। और यहाँ पर मैं जीरा भी इसको गरम कर लूँगी और उसके बाद इसको क्रश कर लूँगी। पूरी तरीके से पाउडर नहीं बनाऊँगी, हल्का सा क्रश करके डालूँगी क्योंकि उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो पाउडर बना के भी डाल सकते हैं लेकिन मैं हल्का सा क्रश करके डालती हूँ तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इधर मैं तैयारी कर रही हूँ खीर की। एक्चुअली मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बताया था कि खीर को मतलब अगर थोड़ी देर देसी घी में इसको फ्राई करो तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। मैंने पिछली बार बिना घी में फ्राई किए बनाई थी लेकिन मैं इस बार घी में फ्राई करके ट्राई कर रही हूँ और ये सच में बहुत अच्छी हो रही थी, अलग सा टेस्ट आ रहा था इसका खाने में। तो मैंने यहाँ पे घी में फ्राई करने के बाद बहुत कम चावल डाले हैं क्योंकि हम लोग मीठा ज़्यादा खाते नहीं हैं, और उसके बाद इसमें दूध ऐड कर दिया है। और इधर साइड में चना मसाला भी बना रही हूँ और यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ आज, नहीं रिफाइंड नहीं है सॉरी, ये सरसों का ऑयल है। तो सरसों के ऑयल में मैं बना रही हूँ और इसमें मैंने सिर्फ जीरे का तड़का लगाया है, साथ में हरी मिर्च और कुछ मसाले। तो बस यही सिंपल सा खाना रहता है हमारा फास्ट के दिन, और जितना सिंपल खाओ उतना ही अच्छा भी लगता है। तो बस 2 मिनट के अंदर चना मसाला भी एकदम तैयार हो जाएगा। और अब मैं आ गई हूँ हॉल में। ये जो मैंने कंटेनर्स वॉश किए थे दोपहर में, तो एक्चुअली ये सूख ही नहीं पा रहे हैं और इसलिए मैंने इनको अच्छे से वाइप करके सूखे कपड़े से वाइप किया है और इनको यहीं पे रख दिया है हॉल में सूखने के लिए क्योंकि यहाँ पे फ़ैन की हवा से सूख जाएंगे। और उसके बाद मैं इसमें सामान भर के डालूँगी। तो खीर एकदम बन के रेडी हो गई है। तो मैंने अभी पैन में इसको गार्निश कर दिया है और इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, रेजिन्स डाले हैं, काजू डाले हैं और 2 आलमंड्स डाले हैं और कट करके डाला है मैंने। और इधर साइड चना भी बन गया है, चना मसाला जो मैं हर बार बनाती हूँ फास्ट के दिन क्योंकि मुझे यही अच्छा लगता है स्पाइसी सा। और इधर रायता भी रेडी है। मैंने इसको फ्रिज में इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये ठंडा हो जाता है और आजकल वेदर चेंज हो रहा है तो कोल्ड वगैरह होने का डर रहता है। अभी टाइम हो गया है 7:45 का और हम लोग को भूख लग रही थी, पूजा वगैरह हमने कर ली है। तो आज हस्बैंड भी घर पे थे तो इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग जल्दी खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने रोटियां बनाई हैं आज, मैंने पूड़ी नहीं बनाई है। तो हमारी आज व्रत की थाली एकदम तैयार है, चना मसाला है, रायता है बूंदी का और चावल की खीर है, साथ में रोटियाँ। तो इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना और जो लोग मेरे चैनल पे नए आते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।